वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द हरप्रीत सिंह शो। अज के सैगमेंट में असं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से गलबात कर रहे हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धर उत्ते इस मुल्क बारे चर्चावं चल रही ने। पाकिस्तान में जो इस समय हालात बने हुए हैं उस विच साढ़े नाल साथ देंगे मिरकल अखबार के फाउंडिंग एडिटर नुसरत हुसैन जी, तो जिन नाल कम्यूनिटी एक्टिविस्ट भी हैं। तो हाल ही पाकिस्तान में 3-4 महीने ला के आए हैं कि उत्थे स्थिति बनी पई है, खास तौर उत्ते जो पेशावर के स्कूल अटैक होया है उस तो बाद की उत्थे चेंजेस वेखन मिल रहे हैं, तो फरदर की कुछ हो सकता है पोलिटिकली अते नाल मिलिटरली भी की कुछ किया जा रहा है, उस बारे गलबात करते हैं नुसरत हुसैन जी। वेलकम टू प्रोग्राम जी। थैंक यू वेरी मच हरप्रीत जी। थैंक यू सर। सो हालात की जब हम बात करते हैं तो एनालिसिस की, जब आप गए थे और जब आप आए हैं, पाकिस्तान का जो इस समय इंटरनेशनल पद्धर के ऊपर जो नाम है वो चर्चा में है, क्योंकि खास तौर के ऊपर जब पेशावर में अटैक हुआ उसके बाद तो बहुत सारे चेंजेस हमने देखे हैं वहाँ पर आ रहे हैं, पर उससे पहले भी जो पॉलिटिकली एक नवाज शरीफ को हटाने की कोशिश की जा रही थी इमरान खान की तरफ से, वहाँ पे चक्का जाम किया गया, उसके बाद इस्लामाबाद को भी एक तरह का घेराव किया गया, तो ये सारी सिचुएशन जो, उसके बारे में हमें बताइए कि क्या हुआ, क्या है और क्या चल रहा है वहाँ पे। पाकिस्तान, आप हिस्टोरिकली अगर देखें ना तो पाकिस्तान को अगर देखें स्ट्रेटेजिकली जी, तो पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों? पाकिस्तान के बॉर्डर में एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ चाइना है, एंड वी ऑल्सो पीक इन टू रशिया। सो ये जगह स्ट्रेटेजिकली कोई ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो हमेशा ही बड़ी इंपॉर्टेंस की रहेगी दुनिया की बिग पावर्स के लिए। तो लेकिन पाकिस्तान के अपने हालात जो हैं वो, इट इज़ अ सैड स्टोरी, बट एट द सेम टाइम आई मीन दिस इज एवोल्यूशनरी प्रोसेस जिससे नेशंस गुजरती हैं जी। तो पाकिस्तान हमेशा उसमें रहा है, शुरू से पाकिस्तान के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग पार्टीशन के बाद, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के बाद ही द प्रॉब्लम स्टार्टेड, लियाकत अली के असैसिनेशन के बाद हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। सिविलियन गवर्नमेंट्स जो थी अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं वो किस प्रोसेस से और कैसे आए, पीपल लाइक गुलाम मोहम्मद वाज गवर्नर जनरल जी, फिर अप टिल दैट टाइम, और वो अगर आपको याद हो कि पंडित नेहरू का एक बड़ा स्टेटमेंट है हिस्टोरिकल, तो वो कहते हैं मैं कौन सी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात करूं इससे पहले कि मैं अपनी धोती तब्दील करता हूं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। राइट। तो सिविलियन एक वो किस्म का हमेशा जो है ना एक फेलियर सा नजर आया है गवर्नेंस का जी। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्शला कम्स इन, सिकंदर मिर्ज़ा, फिर अयूब खान, और अयूब खान के दौर के बाद एक स्टेबलाइज हुआ मुल्क, एक इकोनॉमिकली ग्रोथ हुई, बड़े प्रोडक्ट्स आए उसके अंदर। फिर उसके बाद अगेन हमने देखा कि डेमोक्रेसी के चैंपियंस आ गए, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पार्टी थी पीपल्स पार्टी, वो एक बड़ी कैंपेन शुरू हुई, और उसके बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई, उसमें हमने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उसके ऊपर ही वहाँ से वो शुरू हो गया वो चक्कर। देन अगेन मार्शला, ज़ियाउल्लाह, देन मुशर्रफ, और ये सारी चीज़ें चलती रही, एंड फाइनली अगेन हमने बोला कि नहीं, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट थिंग, और डेमोक्रेसी क्योंकि सारी दुनिया में पहचाना जाता है जी, तो वो आया। तो उसके बाद आके आप देखें यहाँ पर इस वक्त जब इलेक्शंस में, अब नाउ आई एम कमिंग बैक टू द प्रेजेंट सिचुएशन, जहाँ पे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो थी 3/4 मेजॉरिटी लेके पार्लियामेंट में आई जी, उसके ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, एक नई पार्टी, दिस वाज द फर्स्ट टाइम इमरान खान इमर्ज्ड एज अ न्यू पार्टी, उसने आके उसमें वो किया। तो इमरान खान केम आउट, उसका एक अपना शुरू से पहले से एक वर्ल्ड के अंदर एक उसका इमेज था जिसमें उसकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी जो थी दैट वाज बियॉन्ड क्वेश्चन, उसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को वी कैन डिबेट अबाउट राइट, लेकिन उसमें वो था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा होप लगा दी इमरान खान से। अब इमरान खान ने आके इसकी पार्टी ने जो किया, इन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट रेज किया, इन्होंने कहा कि ये इलेक्शंस रिग्ड है, और इस बात के ऊपर तमाम पार्टीज अग्री की जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, जिसमें एएनपी भी है, एमक्यूएम भी है, और छोटी जितनी पार्टीज हैं, उन सब ने बोला कि हाँ जी इलेक्शन में धांधली हुई है। तो इमरान खान ने पार्लियामेंट के अंदर जो पहली स्टेज उसने की थी जी, वो उसने उठा के बात की कि देखें यहाँ ये इलेक्शन रिग्ड हैं, इसका
वो होना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी सही उसी वक्त है कि जब लोगों का मैंडेट सही पहुंचे। राइट, लेकिन इसके अंदर नुसरत साहब बात ये आती है कि कह देना और कुछ प्रूव करना, क्या कोई प्रूफ भी था या जस्ट सिर्फ सेइंग ही थी? क्योंकि अल्टीमेटली तो सवाल ये आता है कि पीपल्स पार्टी की सरकार थी, अगर रिगिंग होती तो उनके हक में जानी थी, ये ऑपोजिशन क्लिक हो गई। बिल्कुल ठीक है, पीपल्स पार्टी की सरकार थी और बल्कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी राइट, जिसने उस वक्त आके ये इलेक्शंस कराए और उसमें, लेकिन उससे पहले अगर आप चले जाएं तो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन बेनजीर और नवाज शरीफ साइन हुआ था, जिसमें जिसकी आवाज़ें बाहर ये आती थी कि उन्होंने कहा था कि 5 साल तुम और 5 साल हम आपस में बातचीत लेंगे। इनका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन ये बातें सारी बाहर आ रही हैं, जो कि परसेप्शन है लोगों की, या मेरे जैसे एक स्ट्रीट जो मैन ऑन द स्ट्रीट है उसकी इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू जो आ रही है उसमें यही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली परसेप्शन यही है कि इन्होंने ये किया था। और अगर आप देखें उसके बाद तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने, अपोजिशन ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है ड्यूरिंग ये 1.5-2 साल का जो नया टेन्योर आया, और इससे पहले जिस तरह नवाज शरीफ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी पीपल्स पार्टी को, तो उसमें वो नजर आता है कि कोई आपस में मिले हुए हैं। तो इमरान खान सबसे पहले उसने वो अपना पॉइंट जो है वो लेके गया है पार्लियामेंट में, बिकॉज दैट वाज द राइट प्लेस। एब्सोल्युटली, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला कि ये जो है रिग्ड, मतलब सबने माना रिग्ड है बट नोबडी वाज प्रिपेयर्ड, क्योंकि हर आदमी इतने पैसे खर्च करके आया है कि वो अपनी सीटें छोड़े या वो उसको दोबारा से चेक कराए ये वो। सो ही केम आउट, ही वेंट टू द कोर्ट्स, ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाज देयर, जिसको एक बड़ी कैंपेन के बाद लाया गया था और उससे बड़ी होप्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उसने वो जो मीडिया में मैं सुनता हूँ इमरान खान की जबानी, वो ये कहा कि उसने, इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है इस केस को सुनने का, जबकि उसी दौरान एक सू मोटो लेके एक केस चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पकड़ा था, अतीका ओडो, एक मुशर्रफ की पार्टी की एक खातून है और एक्ट्रेस है, वहाँ पर टीवी स्टार है वो, उसकी अटैची केस से एयरपोर्ट पे जाते हुए उसके बैग से, उसके बैगेज से एक शराब की बोतल निकली थी, उसका मीडिया में आया और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उसका सू मोटो एक्शन लिया। राइट, सो ये सारी चीजें कुछ शो करती हैं कि भाई कोई मिली भगत जो है शायद उसकी साथ के साथ ये काम चल रहा था। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद कि क्या वहाँ पे हालात बने, जैसे आपने पॉलिटिकली जो बताया, पर इमरान खान ने जैसे एक ब्लॉकेट किया था इस्लामाबाद का, उसका क्या असर पड़ा आम जनता के ऊपर, क्या उनमें कोई चेंज आया? क्योंकि वो भी मुझे याद है कि बातें ये चल रही थी कि गर्मी के इतने मौसम में आप तो एयर कंडीशनड वो बसेस में बैठ के सिर्फ तकरीर देते थे और आम जनता जो थी वो सड़कों के ऊपर जो है, और उसके बाद गोलियाँ भी चली और लोग मारे भी गए। इसके बारे में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कि तुसी कर्जे दे बोझ हेठ दबे हो, समझ नहीं आउंदा की करो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तुहाड़ी फैमिली लाइफ दे उत्ते माड़ा असर पा सकदियां हन। जे तुसी इस मुश्किल च हो तां असीं तुहाड़ी मदद कर सकते हां। असीं तुहाड़े कर्जे नूं वध तों वध कटा के रहिंदी रकम नूं इंटरेस्ट फ्री किस्तां च बदल सकते हां। असीं तुहानूं कर्जे तों मुक्त करा के नवीं जिंदगी जीण विच तुहाड़ी मदद कर सकदे हां। 1-866-790-8984 बिजनेस सॉल्यूशंस, तुहाड़ी परेशानी विच तुहाड़ा साथी। पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं जी, उस संबंध में गलबात चल रही थी, मेरा साथ दे रहे ने नुसरत हुसैन जिड़े के अखबार मिरेकल दे फाउंडिंग एडिटर ने, तो उस तो अलावा एक कम्यूनिटी एक्टिविस्ट हैं। 3 महीने के करीब पाकिस्तान में समय बिता के आए ने और होर इन्फॉर्मेशन लेने आ कि सारी जो पोलिटिकल डिवेलपमेंट्स ने उसका की असर आम जनता से पै रहे जी। सो ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे कि ईवन सुप्रीम कोर्ट से भी जस्टिस जो है लगता है कि नहीं मिला जी, वो बात सारी होगी जी। फिर ये गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल, राइट, इलेक्शन उसके अंदर इन्होंने अपनी पिटिशंस दी, जिनको स्टे ऑर्डर्स ले लिया, जिनके खिलाफ पिटिशंस दी थी उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। सो वो सारा कुछ रहा। सो अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जब बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब बड़ा लॉजिकली ये समझ में आता है। पार्लियामेंट में बात की, कोर्ट में गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गया, जब कुछ नहीं हुआ सो ही कॉल्ड फॉर उसके लिए कि अब हम धरना देते हैं जी, और एक बड़ा उसने लोगों को मोबिलाइज किया और वाकई लोग निकल के आए जी। काफी महीने चलता रहा मेरे बहुत कोई मेरा ख्याल है अबाउट 126 to 129 days के ऐसा, बट इट वेंट लॉन्ग फॉर अबाउट 30 days, 3 months। तो ये सारे उस प्रोसेस के अंदर, फिर वो कंटेनर से आपने देखा कि रोज सारा वहाँ पे एक मजमा लगता था, सारी दुनिया अलर्ट थी, पूरी कॉम इन्वॉल्व थी, सारा मीडिया उस वक्त। असर पड़ा इस चीज का जी, धरने का
उसका असर यहाँ पर जो इमरान खान से पॉलिटिकल गलतियाँ हुई हैं जो उसकी वो नहीं थी, देयर वाज अ टाइम कि जिस वक्त वहाँ पे वो ताहिरुल कादरी साहब भी उसी वक्त आ गए जो कनाडा से गए थे, और ताहिरुल कादरी के उसके ऊपर उनका जो तारीख मिनहाजुल कुरान का जो वो था उसके ऊपर फायरिंग हो गई पंजाब में लाहौर में, जिसमें 14 आदमी मारे गए, 90 आदमी जो थे वो जख्मी हुए। तो उन्होंने बहुत सख्त वो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उस वक्त, वो गवर्नमेंट को बहुत सेट बैक फुट पे थी उस वक्त। ये हो सकता था कि शहबाज शरीफ जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, वो सुना है कि वो इस्तीफा देने को उनको ले आए थे स्टेज पे, तो वहाँ पर अगर ये उस वक्त डील कर लेते और उसी वक्त इनसे, और फौज भी बाद में इन्वॉल्व होगी लेटर ऑन आके, जहाँ पे उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें हम मानते हैं, आपकी जुडिशल कमीशन बनाएं, सारे रिगिंग का वो करें, वो 5-6 पॉइंट्स थे जो कि सारी पार्टियाँ चाहती थी कि हों, लेकिन इमरान खान ने जो इमेच्योरिटी दिखाई अपनी पॉलिटिकल, वो ये कि वो अड़ गए कि नहीं, नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा भी मुझे चाहिए। हालांकि नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली या किसी और तरीके से नहीं बनता, उसके इस्तीफे के लिए यू हैव टू गो टू द पार्लियामेंट, आप उनको इम्पीच करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, तो वो उन्होंने वो नहीं किया और वो उस बात पर अड़ गए। दैट वॉज अ वेरी गुड चांस जो कि इमरान खान ने लूज कर दिया, लेकिन उसके धरने से बहुत अवेयरनेस हुई, बिकॉज हर रोज वो खड़ा होके गवर्नमेंट के बारे में जो चीज़ें हो रही थी वो धांधलियाँ सारी लाता रहा सामने, जिससे लोग अवेयर हो गए। गो के यू आर राइट, कोई ऐसे कंक्रीट सबूत वो नहीं पेश कर सका ना आज तक कर सका, लेकिन उस परसेप्शन को मजीद उन्होंने बिल्डअप किया। तो ये चीज़ें जो हैं, एक अवेयरनेस आई, उससे क्या अचीव किया, सर्दी थी, ठंड थी, लोग बारिशें हुई, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था, मैं खुद भी एक आध मरतबा गया धरना में, और वहाँ पर जो है लोग बैठे रहे, क्योंकि पब्लिक जो है वो चाहती है कि इंसाफ आए। ऐसा कौन सा शख्स है लोगों में वो सर, ऑन द अदर हैंड थर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के संबंध में हमें बताइए कि वो कहाँ पे अभी, उनका जो केस था वो कहाँ तक पहुँचा है, और क्या लगता है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के जाएंगे लंदन वापस? मेरा ख्याल है कि जनरल साहब तो बहुत अभी अच्छे हालात में आ गए हैं, कराची में हैं, उन्हें वो भी हो गया है, बल्कि एक मैं उनकी रीसेंट स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि ये मुझे आर्टिकल 6 पे फांसी लगाने के वो चाह रहे हैं, और आजकल उन लोगों को 3-4 लोग हैं जिनको फांसियाँ हो चुकी हैं, जो कि जनरल मुशर्रफ पे जिन्होंने अटैक किए थे ना, जो व्हेन सी वाज द प्रेसिडेंट, उसके ऊपर वो तालिबान के वो राइट, ये अभी हाल ही में किया, हाल ही में गवर्नमेंट ने जी, तो वो फांसियां जो हुई हैं उनमें वो लोग फांसी पे चढ़ रहे हैं आजकल फिलहाल। जनरल साहब का के साथ क्या होगा, आई डोंट, आई एम नॉट श्योर कि उनका क्या है, लेकिन अभी उनके ऊपर एक दूसरा केस जो है बुकती के क्वेटी की हाई कोर्ट ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उस पर वो लिया है कि मुशर्रफ साहब अगली दा उस पर खुद पेश हों, ठीक है, तो वो भी सिचुएशन अभी देखी जाएगी कि क्या होता। जो सारा चेंज हुआ, जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी, उसमें पहले ही पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स और डिफेंस आपकी फ़ौजों ने वहाँ पे धावा बोल दिया था, क्योंकि एक समय ये भी हुआ था जब बातचीत चलने की बात चल रही थी कि कुछ किया जाए, शायद बात करके इन टेररिस्ट से कुछ सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली फेल हो गई और उसके बाद ये फुल स्केल अटैक जो है कर दिया गया था। लेकिन जब पेशावर में जो स्कूल पे हमला हुआ उसके साथ तो एकदम जैसे कहते हैं कि सारे पाकिस्तान में ही आग लगी हो, और सारे लोग जो हैं तकरीबन उनका सोच जो है उसमें कुछ एक परिवर्तन देखा गया। इमरान खान जो कि थोड़ा सा लगता था कि ये टूवर्ड्स द दूसरी साइड टेररिस्ट साइड के थोड़े से हामी लग रहे थे, जो बातें आ रही थी, जो मीडिया में आ रहा था, तो जब वो हुआ उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चल रहा है, उसके बारे में हम बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त वाकई पाकिस्तान के अंदर चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से मूव कर रही हैं, और मेरा ख्याल है कि इसका क्रेडिट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देना चाहिए कि इन्होंने पहले तालिबान को डायलॉग में इंगेज किया, और नज़र आया कि डायलॉग्स जो हैं वो तालिबान जो हैं उस पर नहीं कर सके, हालांकि लोगों का पहले से यही ख्याल था। इमरान खान वाज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि इनके साथ जो है डायलॉग किया जाए, तो बहरहाल ये इस गवर्नमेंट को दिया जाएगा क्रेडिट कि इन्होंने उनको इंगेज किया डायलॉग में, और फिर कि सारी कौम जो पहले डिवाइडेड थी, जो लोग थे, अभी वो सारी कौम एक उस पर आ गई थी कि यस इनके साथ डायलॉग्स नहीं चल सकते, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, इनको साथ बंदूक की ज़बान में ही बात की जाए, बिकॉज उन्होंने जो कुछ किया है आपको पता है, सब जानते हैं, फौजियों के सिर काटे, उनके साथ फुटबॉल खेला, ये क्या अप टिल द टाइम के नाउ ऑन 16 दिसंबर को
انہوں نے میں 17 دسمبر کو کراچی میں تھا اور وہیں سے میں پھر آ گیا تھا 16 دسمبر کو when I was in کراچی اس وقت جو ہے یہ پشاور کا جو ہے حادثہ ہوا جی اب آپ خود اس بات کو سوچیں اور میرا خیال ہے کہ کوئی جب ہم ان ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کا سب سے پہلی چیز دیکھنے والی کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے جی اگر یہ اسلام کی بات نام لے کے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہوں نے جن بچوں کو شہید کیا ہے ان کو مارا ہے وہ بچے مسلمانوں کے بچے تھے ٹھیک ہے تو ان کو تو سیپریٹ کر دیں ان کے لیے تو کوئی کسی کے دل میں اب جو اگر کوئی جو ان کے سپورٹرز بھی تھے وہ بھی جو ہیں بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور پھر اوپر سے نیچرلی جب اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے تو ایکشن جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو گئے پھانسی کی سزا بھی جو ہے اس کے بعد ہی انہوں نے فوراً وہ کر کے شروع کیا ملٹری کورٹس بن گئی ہیں اور سارا کچھ یہ ہوا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس وقت تو جس طریقے سے جو ایکشن ہو رہے ہیں بڑے اسٹرانگلی ہو رہے ہیں وہ لوگ بھی جواب میں کر رہے ہیں لیکن ان کے وہ جوابوں کی وہ جو انٹینسٹی یا جو پوٹینسی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی وہ کیے جا رہے ہیں اینڈ دس از واٹ از ریکوائرڈ ان پاکستان اسی کے بارے میں جی اور بات کرتے ہیں اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیا جو ٹیررزم ہے کرش ہو جائے گی اور خاص طور کے اوپر جب بھی پاکستان میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو انڈیا کا نام تو ضرور آ جاتا ہے اور انڈیا کے اوپر دوبارہ سے ٹینشن بارڈر کے اوپر دوبارہ دیکھی گئی اس کے بارے میں اور یار اس سمے جو ایک عام عوام کے لیے جو بیسک مدے تھے جن کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا کیا وہ تو نہیں دب کے رہ گئے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس تھوڑی سی بریک کے بعد ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਡਰੇਪਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 604-825-9295 ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਓ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੁਸਰਤ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਓ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਯੂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਇਹ ਜੋ ਫੌਜ ਮੇਂ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਫੌਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀਛੇ ਹਟ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੋ ਆਪ ਕਰੋ ਹਮ ਬੈਕ ਸੀਟ ਹੀ ਲੇਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜਬ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਇਨਐਕਸ਼ਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਉਸਕਾ ਅਸਰ ਫੌਜ ਮੇਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਕੋ ਔਰ ਜੋ ਅਭੀ ਆਪਕੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਅਬ ਵੋ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਰੈਂਕਸ ਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਬਾਤਚੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਂ ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਐਸੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋ ਫੇਲ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਮੇ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ دیکھیں مجھے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کیونکہ یہ فوجی ہے تو اس لیے یہ بات کرتا ہے لیکن فوجی اسائڈ آئی ٹیک پرائڈ فوجی ہونے میں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں سچویشن دیکھنی چاہیے میں نے آپ کو پاکستان کی ہسٹری شروع سے بالکل اور اب آ کے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کیا حال ہے ملٹری کورٹس کے اوپر آ گئے ٹھیک ہے ساری فوج فائٹ کر رہی ہے وٹ ایور لٹرلی اٹ اپیئرس کہ جو فوج کہہ رہی ہے وہی باتیں اب ان کو ماننا پڑ رہی ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ دوز تھنگس تو اس لیے فوج کا تو میں نے آپ کو میرا خیال ہے لاسٹ انٹرویو میں بھی آپ کو ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان ول آلویز بی رن بائی مارشل لا اس وقت بھی مارشل لا یہ مارشل لا ہے کائنڈ آف مارشل لا اٹ از اے کائنڈ آف مارشل لا انہوں نے آن فیس فوج اس طریقے سے نہیں آئی ہے لیکن فوج کو مجبوری بلایا جاتا ہے پولیٹیکل لیڈرز خود بلاتے ہیں کہ فوج کو آؤ ہمیشہ ہسٹری رہی ہے ضیاء الحق جب آیا اس زمانے میں چوڑیاں بھیجی گئی تھیں فوج میں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو بیکاز بھٹو نے اتنا ظلم مچا دیا تھا اور ابھی بھی فوج جو ہے فوج کو ہی آ کے سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے سیلاب آئے تو فوج آتی ہے دہشت گردی ہے تو فوج آئے گی کہیں پہ کوئی ڈسٹربنس ہو کوئی آپ یو نیم اے تھنگ اور جب سول گورنمنٹ سے نہیں ہینڈل ہوتی ہے فوج آ جاؤ گی فوج آ جائے تو فوج ہی نے سارا کچھ یہ کرنا ہے اور الٹیمیٹلی فوج از ڈوئنگ دس تھنگ انڈیا کے ساتھ جو حالات ہیں جی وہ دوبارہ سے بگڑے ہاں یہ بڑا سینسٹیو کوسچن ہے اور اس کے اندر جو ہے جو پاکستان میں پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت اگر آئی ایم جسٹ لاجیکلی اسپیکنگ کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے انڈیا اپنا کلیم کرتا ہے پاکستان اپنا کلیم کرتا ہے کہ کس نے پہل کی کس نے فائرنگ کی
ਬਟ ਲੈਟ ਸੀ ਲੋਜੀਕਲੀ ਕਿ ਕੌਣ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਓਪਨ ਆਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਨਦਰ ਫਰੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨੇ ਸਖਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਇਨਕੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਬ ਥੀ ਤੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਯਹੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਟੇਬਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵੋ ਕੀਆ ਹੈ ਅਭੀ ਵੋ ਜੌਨ ਕੈਰੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਜੀ ਅਭੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਚੀਫ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਕਿ ਹਮ ਇਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਇਸਕੋ ਖਤਮ ਕੀਆ ਜਾਏ ਔਰ ਯੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਰੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਔਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਯੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਤੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਅਪ ਔਰ ਉਨਕੋ ਪ੍ਰਵੇ ਉਸਕੋ ਇਸਕੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪਰ ਹਮੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਵੀ ਜਬ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਈ ਜਬ ਵੋ ਬਾਂਬੇ ਮੇਂ ਹੁਆ ਤੋ ਆਏ ਕਹਾਂ ਸੇ ਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਯਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਰਾਈਟ ਜਬ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਅਗਰ ਇਨਕੋ ਇਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਕਰੇਂਗੇ ਰਾਈਟ ਤੋ ਯੇ ਪੂਰਾ ਰੀਜਨ ਪੀਸ ਮੇਂ ਆਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਤੇ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਬਟ ਵਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਹੀ ਜਬ ਆਤੀ ਹੈ ਬਾਤ ਕਿ ਖਤਰੇ ਕੀ ਜਬ ਬਾਤ ਆਤੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਯਹੀ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੇ ਹੋਤਾ ਰਹਾ ਹੈ ਆਸ ਯਹੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੋ ਬਟ ਅਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਬ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਥਾ ਜਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਡ ਬੁੱਕਸ ਮੇਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਥਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੇ ਕਿਆ ਵੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਅਭੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਯੇ ਏਡ ਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅਭੀ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਂਟ ਅਪੋਨ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਿਆ ਯੇ ਅਬ ਯੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੁਕੇਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੇਂ ਵੀ ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਤੇ ਹੈ ਦੇਖੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਮੇਂ ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸਕੋ ਖਤਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਆਪਕੇ ਬੱਚਿਓਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਕੇ ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਯੇ ਤੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਆਪ ਸਮਝੇ ਐਸਾ ਤੋ ਔਰ ਐਸੀ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਰਸਿਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੀ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਯੇ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਹਿਊਮਨ ਐਕਟ ਇਨਹਿਊਮਨ ਐਕਟ ਹੈ ਦੇ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਐਨੀ ਮਰਸੀ ਰਾਈਟ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤਮਾਮ ਫੋਰਸਿਸ ਕਾ ਇਸ ਵਕਤ ਯੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਐਡਰੈਸ ਇਟ ਔਰ ਇਸਕੋ ਫਿਨਿਸ਼ ਫੋਰ ਆਲ ਕਰੇ ਵੰਸ ਫੋਰ ਆਲ ਇਸਕੋ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯੇ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿਦਡਰਾਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਔਰ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੀ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਬਜਾਏ ਅਬ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਔਰ ਜੋ ਇਨ ਇਲਾਕੋਂ ਸੇ ਵੀ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਪਸ਼ਾਵਰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਆ ਉਸ ਮੇਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਮੀ ਹੋਗੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੇ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾ ਕੁਛ ਬੈਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਛ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇਸ ਤਰਫ ਸੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੇ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸੇ ਜੀ ਕਿ ਯੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਬ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸੇ ਇਨਕੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਅਭੀ ਦੇਖੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਥਿੰਗ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਸਲਾ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਥੇ ਫੌਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਜਬ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸੁਰੰਗੇਂ ਥੀ ਅਸਲੇ ਕੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਗੀ ਹੋਈ ਥੀ ਜਹਾਂ ਪੇ ਵੋ ਜੈਕਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋਤੀ ਥੀ ਖੁਦਕਸ਼ ਔਰ ਜਹਾਂ ਪੇ ਵੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਹੈ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਵੋ ਲਾਂਚਰਸ ਹੈ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰਸ ਹੈ ਗਨਸ ਹੈ ਯੇ ਅਸਲਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਲੇ ਕੇ ਸੌਦਾਗਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਧਰ ਸੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਇਨਕੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਨਕੇ ਅਸਲੇ ਕੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਉਨਕੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਫੌਜ ਨੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਾਥ ਥੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਡੀਪ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਬਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕੀ ਸੁਰੰਗੇਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਨਮੇਂ ਸੇ ਜੋ ਪਾਇਲਟਸ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਵੋ ਕਹਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਫਲੇਮਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਿਕਲਤੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਾਇਲਟਸ ਹੈ ਵੋ ਕਹਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸੇ ਸੁਰੰਗੋਂ ਸੇ ਰਾਈਟ ਤੋ ਇਸ ਕਦਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੇਲਿਓਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਟ ਬਟ ਜੈਸੇ ਆਪਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਨਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਬੈਂਟ ਅਪੋਨ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਉਸਕੀ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਅਪੀਅਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਤੋ ਯੇ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਾਰ ਆਲ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਪ੍ਰੀਤ ਜੀ
ਸਪਲਾਈਜ਼ਰ।